हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे वर्ड के बारे में डिटेल में बताने वाली हूं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने मीडिया के लिए एक नए वर्ड का यूज़ किया है जो कि है कंगारू वर्ड, यानी कि उन्होंने मीडिया को कंगारू कोर्ट कहा है। तो कंगारू कोर्ट क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई और मीडिया के लिए इस शब्द का क्यों किया जा रहा है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री के अभी प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिन्हें हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनका नाम एनवी रमन्ना है। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा संचालित बहस और कंगारू कोर्ट चला रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। यानी कि इनका सिंपल वे में कहने का मतलब ये था कि मीडिया जो है वो आजकल अपने एजेंडे को संचालित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे कई सारी मीडिया डिबेट्स करती है जो कि वो अपने एजेंडे को साधने के लिए करती है, यानी कि रियल में जो न्यूज़ है उसको वो नहीं दिखाते हैं। मीडिया की नज़रों में जो सही एजेंडा होता है, उनका जो रियल एम होता है, उसको टारगेट करते हुए वो जो है वो अपनी किसी भी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा उस तरीके से फिर लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो कि है कंगारू कोर्ट, यानी कि इन्होंने मीडिया के लिए कंगारू कोर्ट शब्द का प्रयोग किया है। अब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम एनवी रमन्ना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि एनवी रमन्ना जो है वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करें अगर कंगारू कोर्ट क्या होता है। तो कंगारू कोर्ट जो है वो एक ऐसे शब्द है जिसका प्रयोग एक ऐसी अदालत के लिए किया जाता है जहां पर असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से किसी को सजा दी जाती है या फिर एक तरफा निर्णय सुनाया जाता है। यानी कि अगर हम लोग कहें कंगारू कोर्ट जो होता है वो एक ऐसे लोगों के समूह द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं, वो लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसे ये लोग, इन लोगों ने कंगारू कोर्ट का नाम दिया है। तो इसमें जो लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो कानून में विश्वास नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो जो है वो गैर कानूनी तरीके से इस तरीके का कोई भी ग्रुप या फिर हम लोग इसे कहें कि कंगारू कोर्ट जो है वो बनाते हैं और फिर अपने स्तर पर किसी भी व्यक्ति को सजा देते हैं। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप लोग खप पंचायत का ले सकते हैं, जो कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जिन गाँवों में भी खप पंचायत होती है तो उसमें जो गाँव के सबसे श्रेष्ठ लोग माने जाते हैं वो लोग मिलकर एक सभा करते हैं या फिर हम लोग कहेंगे कहीं पर भी मिलते हैं और जो भी आरोपी व्यक्ति होता है उसके खिलाफ जो भी सबूत होते हैं उनको वो अपने नज़रिए से देखते हैं और वो उसमें कानून का सहारा नहीं लेते हैं। तो इस वजह से वो जो है वो अपने तरीके से उस व्यक्ति को सजा देते हैं और खुद ही निर्णय करते हैं, या फिर अगर हम लोग कहें कि एक तरफा निर्णय सुना देते हैं, इसमें कई बार जो है वो दूसरे पर्सन की बात भी नहीं सुनी जाती है। तो इस तरीके के जो भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनके लिए ही कंगारू कोर्ट जो है इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कोर्ट में अगर हम लोग बात करें, जो भी किसी भी पर्सन को सजा दी जाती है वो सबूतों से ज़्यादा भावनाओं पर आधारित होती है, जिस कारण कई बार निर्दोष को भी सजा दे दी जाती है या फिर छोटे से अपराध के लिए बहुत भयंकर सजा दे दी जाती है। इसलिए कंगारू कोर्ट जो है वो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो है कानून का सहारा नहीं लेते हैं, ना ही ये किसी भी संवैधानिक तरीके से किसी पर्सन को सजा देते हैं, ये बस अपने जो भी इनको सही लगता है भावनाओं में आकर, मतलब इनको सबूतों से कोई मतलब नहीं रहता है कि सबूत किसके अगेंस्ट हैं या फिर जो भी पर्सन है जो अपराधी हैं उसको ये लोग अपनी बात रखने का अवसर तक नहीं देते हैं। तो इस वजह से कई बार जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनकी भी हम लोग कहें जान चली जाती है या फिर वो भी गुनहगार साबित हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग अपने मतलब साधने के लिए किसी छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दे देते हैं। तो इस तरीके का जो है वो इस तरीके की जो भी व्यवस्था है या फिर इस तरीके के जो भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं उन्हें कंगारू कोर्ट कहा जाता है और ये गैर कानूनी है, यानी कि इस तरीके का काम करना एक अपराध माना जाता है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि कंगारू कोर्ट जो है इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसके बारे में सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, यानी कि ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। लेकिन इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो 1849 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड रश के दौरान किया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें
अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर एक टाइम पीरियड में गोल्ड रश जो है वो हुआ था। इसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि गोल्ड रश क्या होता है। गोल्ड रश उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जहाँ पर कैलिफोर्निया में एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सोने की खदानें देखने को मिलने लगी थी, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोना निकलने लगा था। और इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे कि अब तो यहाँ पर बहुत सारा सोना ही सोना होगा, बहुत सारी सोने की खदानें हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत अमीरी होगी, इस तरीके की, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबी लंबी ऐसी बातें करने लगे थे जो बिल्कुल भी तथ्यात्मक नहीं थी, या फिर हम लोग कहें सिर्फ उनकी जो मन की जो बातें हैं हम लोग कहें, या फिर काल्पनिक बातें हैं उस तरीके की वो लोग बातें करने लगे थे। यानी कि तो इसी के लिए जो है वो कंगारू कोर शब्द का प्रयोग किया गया था। जैसा कि हम लोग करें, कंगारू जो है वो एक तरीके का जानवर है जो कि बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाने के लिए जाना जाता है, तो इसी वजह से कंगारू कोर्ट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति गोल्ड रश के दौरान इसी वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर भी जब गोल्ड रश चल रहा था तो उस टाइम पर लोग बहुत लंबी लंबी बातें करने लगे थे, बहुत लंबी लंबी, हम सिंपल वे में कहें तो बहुत लंबी लंबी फेंकने लगे थे, तो इस तरीके की बहुत लंबी लंबी बिना किसी के अनुमान या फिर बिना किसी प्रमाण के आधार पर इस तरीके की बातें करना, इस तरीके का कोई भी निर्णय देना, तो उसे ही कंगारू कोर्ट कहा जाता है। तो इसकी जो पहली बार उत्पत्ति हुई थी, या फिर अगर हम लोग कहें इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो 1849 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोल्ड रश के दौरान हुआ था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो कंगारू कोर शब्द था इसको सोवियत संघ में स्टालिन युग के दौरान एक बहुत ही आम धारणा बन चुका था, यानी कि ये जो शब्द है वो कई सारे लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने लगा था, जो कि सोवियत ग्रेट पर्ज के मॉस्को ट्रायल के रूप में प्रसिद्ध था। यानी कि जो जब इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी तब इसे कंगारू कोर्ट कहा जाता था, लेकिन अगर हम लोग सोवियत संघ के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो शब्द है उसका नाम मॉस्को ट्रायल रख दिया, और प्रेजेंट टाइम में ये मॉस्को ट्रायल ही मीडिया ट्रायल बन गया, यानी कि कंगारू कोर्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में मीडिया ट्रायल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें मीडिया ट्रायल और कंगारू कोर्ट जो है वो दोनों एक ही अवधारणाएं हैं। कंगारू कोर्ट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हम लोग कहें तो बहुत ही एंशियंट टाइम में हुई थी, और कंगारू जो है वो एक तरीके के ऐसे व्यक्तियों के ग्रुप के लिए यूज किया जाने वाला शब्द था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसे मीडिया ट्रायल बना दिया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मीडिया की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, खासकर जो सोशल मीडिया है उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में भूमिका देखने को मिल रही है, तो इस वजह से अब इसे मीडिया ट्रायल नाम दे दिया गया है, क्योंकि जो काम उस तरीके के कोई भी पर्सन ग्रुप बनाकर करते थे वो काम आजकल मीडिया द्वारा किए जाने लगे हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जिनमें मीडिया ने आरोपी के खिलाफ मीडिया ट्रायल कल न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपने कभी देखा होगा कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो कि किसी भी, अगर हम लोग कहें किसी भी तरीके का क्राइम होता है या फिर कोई भी विवाद निकल कर सामने आता है तो उसमें मीडिया जो है वो पहले ही किसी भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध कर देती है और अपना निर्णय सुना देती है कि इस व्यक्ति को तो फांसी की सजा ही होनी चाहिए, इस व्यक्ति को जान से मार देना चाहिए, इसने यही अपराधी है, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो आजकल मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगी है, इससे जनता के मन में गलत धारणाएं भी पैदा हो जाती हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, या फिर अगर हम लोग कहें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका ऐसा कहना है कि मीडिया जो है वो अपने कार्य से भटक रही है, वो कार्य करने लगी है जो काम सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि किसी को आरोपी सिद्ध करना या फिर उसे सजा देना ये काम न्यायालय का है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मीडिया जो है वो इस तरीके के कार्य करने लगी है, मीडिया न्यायालय में निर्णय होने से पहले ही अपने निर्णय देने लगती है, तो इस वजह से इसके लिए मीडिया ट्रायल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा संचालित बहस जारी कर रही है और कंगारू कोर्ट या फिर मीडिया ट्रायल चला रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकती हैं कि मीडिया कोर्ट जो है वो कंगारू कोर्ट की तरह ही है, लेकिन चूंकि प्रेजेंट टाइम में मीडिया की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है तो इस वजह से इसके लिए मीडिया ट्रायल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मीडिया ट्रायल जो है इस तरीके के शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, ना ही इसे कहीं भी डिफाइन किया गया है, इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि मीडिया ट्रायल हम लोग किसे कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट रूप में बात करें तो मीडिया ट्रायल की जो शक्ति है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया को प्राप्त है। इसमें अनुच्छेद 19 में अगर हम लोग बात करें कि क्या कहा जाता है तो अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 19 जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो इसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है, तो यहीं से इनडायरेक्ट रूप में हम लोग मीडिया को
कह सकते हैं कि मीडिया को भी अपने विचार रखने का अधिकार है, अपनी स्पीच या फिर एक्सप्रेशन रखने का अधिकार है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मीडिया जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि दुरुपयोग करने लगी है। और अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी पहले ही अपने निर्णय सुना देती है, किसी भी पर्सन के लिए पहले ही वो इस तरीके की धारणा जो है वो आम जनता के मन में पैदा कर देती है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जैसा कि मैंने अभी बताया आर्टिकल 19 जो है वो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट जो है वो संविधान के कौन से पार्ट यानी कि कौन से भाग में आते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे ये बताइएगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक हैं, जैसे कि ये आर्टिकल 19 है, इसके अलावा और कौन से आर्टिकल हैं यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे पुराने वाले वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वो RBI वाला वीडियो करवाया था जिसमें RBI जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जारी करने जा रहा है, यानी कि हमारा जो रुपया है वो भी एक अब अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा जिससे हम लोग दूसरे देशों के साथ अपनी करेंसी में व्यापार कर सकेंगे। तो इसका लिंक आप लोगों को आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कंगारू कोर्ट या फिर मीडिया ट्रायल जो है इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इससे न्यायिक कामकाज प्रभावित होगा, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय का जो काम है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि मीडिया जो है वो पहले ही जनता के मन में इस तरीके की धारणाएं पैदा कर देती हैं कि कौन अपराधी है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये सब इस वजह से अगर हम लोग कहें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना निर्णय सही से नहीं ले पाता है। इसके अलावा असली और नकली में भेद कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया को देखा होगा, उस पर कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाती है। तो इस वजह से ये इस बारे का हम लोग कहें इसको प्रमाणित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये जो चीज़ है वो सही है या फिर गलत है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि असली और नकली में भेद करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर गलत वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि इनके अकॉर्डिंग मीडिया जो है वो अपना एजेंडा संचालित करने के लिए किसी का भी वर्णन करता है, तो इस वजह से ज़्यादातर हमें गलत वर्णन देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी या फिर लोकतांत्रिक देश देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी इस तरीके की कोई भी घटनाएँ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इसके अलावा नफरत और हिंसा भी भड़कती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें इस तरीके की जब कोई भी न्यूज़ वायरल होती है तो इस वजह से आम जनता में काफ़ी ज़्यादा नफरत और हिंसा की भावना पैदा होने लगती है। इसके अलावा एकांतता का अधिकार जो है उसका भी हनन होता है, यानी कि अगर हम लोग बात करें हमारी जो प्राइवेसी है उसका भी हनन होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में जो सोशल मीडिया है उसका काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया जाने लगा है। बहुत से लोग हैं वो किसी की भी प्राइवेसी को हनन करने के लिए उसको इस तरीके से वायरल कर देते हैं, तो इस वजह से इससे प्राइवेसी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये जो है वो कुछ प्रमुख हम लोग कह सकते हैं प्रभाव हैं जो कि मीडिया ट्रायल या कंगारू कोर्ट के देखने को मिल जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि मीडिया विनिमय के लिए भारत में चार निकाय कौन कौन से हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने मेरे और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने प्लास्टिक बैन हुआ है हमारी कंट्री में उसके बारे में वीडियो बनाया था, तो आप लोग अभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ आप लोग करेंगे तो उससे आप लोगों को क्या सज़ा भी मिल सकती है, तो इसका जो लिंक है वो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए फिर उसका विनिमय करने के लिए हमारी कंट्री में कौन कौन से प्रावधान हैं, तो इसके बारे में सबसे पहला जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है वो है भारतीय प्रेस परिषद, इसके अलावा समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण, इसके अलावा प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद, इसके अलावा न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिल जाती है जिनसे मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मीडिया जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है आम जनता की ज़िंदगी में, तो इस वजह से सरकार को अब नई नीतियाँ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन निकाय के होने के बावजूद भी प्रेजेंट टाइम में मीडिया जो है उसका इस तरीके की हरकतें हमें देखने को मिलती हैं, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अभी सरकार को और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर प्लीज जरूर दीजिएगा। तो
इसके अलावा आप लोग हमारा और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, इसके अलावा एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, साथ ही सीसेट और एनसीईआरटी का भी सिलेबस, इसके अलावा एमपीएसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।